वृंदावन पुलिस व स्वाट एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता। में टेम्पो में सवारियों को बैठाकर लूटने तथा हत्या करने वाले गिरोह के 3 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। कब्जे से घटनाओं में प्रयुक्त ऑटो, 5400 रुपये नकद, नाजायज असलाह व अन्य सामान बरामद किया। 14/11/2020 को श्री अपार अग्रवाल पुत्र दिलीप अग्रवाल निवासी कस्बा व थाना राया द्वारा अपने पिता श्री दिलीप अग्रवाल के अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला घोट कर हत्या कर देने के संबंध में थाना जमुनापार पर मुकदमा अपराध संख्या 358/20 धारा 302 भावधि पंजीकृत कराया गया था। दिनांक 16/11/2020 को वादी श्री चंद्रपाल निवासी ग्राम से ही थाना शेरगढ़ मथुरा द्वारा थाना वृंदावन पर अपने पुत्र विक्रम, जो कि दिनांक 11/11/2020 को घर से गाजियाबाद गया था, वादी के पुत्र का शव बंगाली घाट थाना कोतवाली क्षेत्र में बरामद होने के संबंध में थाना वृंदावन पर मुकदमा अपराध संख्या 706/20 धारा 302/201 भावधि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के निर्देशन में जनपद में लूट हत्या की घटनाओं व अपराधों की रोकथाम हेतु विशेष अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व अपर पुलिस अधीक्षक अपराध को टीम बनाकर कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिए गए थे, जिसमें मथुरा पुलिस एवं स्वाट एसओजी टीम को यह सफलता हाथ लगी और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जनपद मथुरा से ब्यूरो चीफ मनीष शर्मा की विशेष रिपोर्ट। सर बताएं पुलिस को कैसा पता मिली? देखिए, ये दिवाली के दिन 14 तारीख को थाना राया में श्री दिलीप अग्रवाल जी, जो वहाँ के व्यापारी हैं, रात को अपने घर त्यौहार के लिए निकले थे, परंतु घर नहीं पहुँच पाए। सुबह मॉर्निंग में थाना जमुना पार में उनकी बॉडी बरामद हुई थी। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्ट्रैंगुलेशन आया था। और उसी दिन 11 तारीख से एक गायब चल रहे हैं एक विक्रम नाम का व्यक्ति, जो कि थाना शेरगढ़ का रहने वाला है, उसकी बॉडी भी थाना कोतवाली क्षेत्र में बरामद हुई थी। जब इन घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और पूरी तथ्यों को संज्ञान में लिया गया, तो संभवतः ये जानकारी हुई कि इन घटनाओं में आपस में कनेक्शन हो सकता है और किसी यातायात के माध्यम से कुछ व्यक्तियों द्वारा सवारी के रूप में बिठाकर इनके साथ घटना कारित की हुई जा सकती है। तो इसी चीज़ पर काम करते हुए 5 टीमें इसमें लगाई गई थी। थाना राया, थाना जमुनापार, वृंदावन, स्वाट और एसओजी, सारी टीम्स इसमें लगाई गई थी। एसपी सिटी साहब इस पूरे अभियान का निरीक्षण कर रहे थे। इसी में आज पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। इस गैंग के जो 5 मेंबर का गैंग है, उनमें से 3 व्यक्तियों को मुठभेड़ में अरेस्ट किया गया है। इनके नाम सचिन, धर्मेंद्र व शिवम है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये सवारी के रूप में लोगों को अपने ऑटो में बिठाते थे और फिर लूट के मकसद से उनके साथ लूट भी करते थे, साथ बाद में हत्या कारित करने के बाद शव जो है वो पहली वाली घटना में यमुना जी में फेंक दिया गया था, और इसमें भी यही प्रयास था, लेकिन किसी कारण में से नहीं फेंक पाए थे, तो इनके द्वारा झाड़ियों में थाना जमुना पार में फेंक दिया गया था। इस घटना में जो प्रयुक्त ऑटो है वो भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। जो मृतक दिलीप अग्रवाल हैं, उनके उनका जो मोबाइल फ़ोन है वो भी रिकवर कर लिया गया है। साथ में कुछ अन्य ऐसी चीज़ें जो घटना के समय पर गायब हो गई थी, वो भी अभियुक्तों से बरामद हुई हैं। इन दोनों घटनाओं का अनावरण इस गैंग के ऊपर हुआ है। साथ ही साथ एक थाना गोवर्धन में फरवरी के महीने में एक 70 साल से भी ज़्यादा उम्र के व्यक्ति विजय प्रताप जी की मृत्यु यहाँ पर हुई थी, उनका बॉडी बरामद हुई थी। गहन पूछताछ में इनके द्वारा उस घटना को भी कारित करना कबूला गया है। तो इस तरह से टोटल 3 घटनाएं थाना जनपद मथुरा की इस गैंग द्वारा की गई हैं, जिसमें लूट के आशय से गला दबाकर हत्या कर दी जाती थी। इस घटना के अनावरण से आने वाले दिनों में बहुत सी ऐसी घटनाएं बच गई हैं। ADG जोन महोदय द्वारा इस पूरी टीम को इस सफल अनावरण के लिए 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार घोषित किया गया है।